वेलकम टू MJS एजुकेशन चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी बीडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पूरे पेपर को देखेंगे, उसका क्या आंसर होगा उसको देखेंगे। ये आंसर क्या है उसके बाद दिया जा रहा है, आप अपना सभी लोग चेक कर लिए फटाफट, हम सारे आंसर को बता दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले पहले का आंसर होगा उत्साह। उत्साह आप मिला लीजिएगा, पहले का आंसर होगा उत्साह। दूसरा ये पूरा आप ये पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा नदी। इसका पेपर भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसका तीन तीन का होगा डी भाग्य। तीन का क्या होगा? डी भाग्य। पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आंसर आपको समझ में आ जाएगा। चौथा चार का ए मंजूसा कुलाने की। पांचवा पांचवा को ए राधा और सेवक। नेक्स्ट बात करेंगे, फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा डी परिपत्र। परिपत्र। नेक्स्ट देखेंगे सात। सात का आंसर होगा अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट देखते हैं नाइन। नाइन का आंसर होगा बी एक तिहाई शब्दों में। एक तिहाई शब्दों में। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी चार। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दो। ए दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा बी तीन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर डी आभार। आभार इसमें क्या है? पुल्लिंग है। आभार इसमें क्या है? पुल्लिंग है। दया माया भाषा ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी आभार क्या है? पुलिंग है, इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी कष्ट। कष्ट क्या है? पुलिंग है। आशा क्षमा और सेना ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमको छाटना है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इसमें क्या है? आय है। इसमें क्या है स्त्रीलिंग? इसमें स्त्रीलिंग है आय। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी स्त्रीलिंग छाटना, इसमें सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? 17। 17 क्या है? संधि कितने प्रकार के होते हैं? बी तीन प्रकार के होते हैं। बी तीन प्रकार के होते हैं। संधि विच्छेद करना है। 18 क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। इसका आंसर होगा ए सत आनंद। सत आनंद। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत और आनंद। सत आनंद। 19। 19 का बताना है पुस्तकालय में कौन सी संधि प्रयोग होती है? पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय। तो इसका आंसर होगा ए इसका दीर्घ संधि। इसमें कौन सा प्रयोग होता है? दीर्घ संधि। 20। 20 नेक्स्ट 20 को देखें। 20 का आंसर होगा ए अभ्युदय। अभ्युदय। नेक्स्ट देखते हैं यथासंभव। यथासंभव का आंसर होगा ए अव्यय भाव। अव्यय भाव। इसमें कौन सा समास है? अव्यय भाव। नेक्स्ट देखेंगे 22। 22 में कर्म धारण। 22। 22 में क्या हुआ? कर्म धारण। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष में कौन से उपसर्ग है? अध्यक्ष में अभी। अभी क्या है? उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है? अभी। नेक्स्ट देखते हैं संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में उपसर्ग इसमें बी सम। सम इसमें क्या है? सम। नेक्स्ट देखते हैं 25। 25 का क्या है? सी। 25 का क्या है? सावधानी। ई इसमें क्या है? ई। नेक्स्ट देखते हैं 26। 26 का क्या हो जाएगा? बी। 26 का क्या हो जाएगा? बी इसमें ई। इसमें भी क्या सब पढ़ते हैं? ई। इसमें तद्भव तत्सम। तस्में सॉरी इसमें तत्सम छाटना है। 27। 27 का क्या आंसर हो जाएगा? ए प्री। आप सभी लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। अपना अपना सभी लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 28। 28 का क्या हो जाएगा? डी। 28 का डी चार।
इसमें क्या है? तत्सम नहीं है, चार नहीं है। बीजदेशस शब्द, इसमें बीजदेशस छाटना है तो 29, 29 का क्या हो जाएगा? ए 29 का क्या हो जाएगा? रिक्शा क्या है? बीजदेशस। नेक्स्ट देखें 30, गाय। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? बी जाति वाचक, जाति वाचक, क्योंकि इसका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं दिया है इसीलिए क्या हुआ? जाति वाचक। नेक्स्ट 31, 31 का क्या होगा? डी होगा, बीमारी, बीमारी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सी, इसका सी 11 होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए दोनों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6, इसमें इसका क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप सभी लोग मिला लीजिए। और इसका जो पेपर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 34, 34 का आंसर होगा ए, गुणवाचक। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बस हम आंसर बता रहे हैं फटाफट, बाकी सब नहीं बता रहे। 35, 35 का आंसर हो जाएगा बी, चमकीला, विशेषण कौन है? चमकीला। 36, 36 में जो सब संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, विशेषण, उसको विशेषण कहते हैं। राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें कौन सी क्रिया है ये बताना है इसमें। 37, 37 का क्या हो जाएगा? ए, अकर्मक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें हमको क्या बताना है? क्रिया विशेषण बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बाद, बाद क्या है? क्रिया विशेषण है। 39, नेक्स्ट देखेंगे 39, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक क्या है? इस वाक्य में संबंधवाचक बताना है, तो इसमें आगे, आगे क्या है? संबंधवाचक। नेक्स्ट, वो आया मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक, इस वाक्य में हमको क्या बताना है? समुच्चय बोधक। इसका आंसर और क्या है इसमें? समुच्चय बोधक है। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द क्या है? ये तो इजी है, ये इजी है, इसका आंसर हो जाएगा ए, हाय। नेक्स्ट 42, 42 को देखें, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, सेना। कपड़ा, कपड़ा कब प्राय बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 43, 43 का आंसर हो जाएगा बी, वसन। आकाश का विलोम, आकाश का विलोम बताना है इसमें, आकाश का विलोम पताल। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी का विलोम, पृथ्वी का विलोम बताना है, 45, 45, 45 का ए हो जाएगा आकाश, पृथ्वी का आकाश हो जाएगा। अभय उभय शब्द का युग्म सही अर्थ है 46, 46 का क्या हो जाएगा? ए, 46 का ए, निर्भय दोनों, निर्भय दोनों, निर्भय दोनों, 46 का क्या हो जाएगा? ए, निर्भय दोनों। 47, 47, 47, 47 का बी, 47 का बी, भौरा सखी, भौरा सखी। 48, उपसर्ग शब्द वो शब्दांश है 48, 48 का क्या हो जाएगा? सी, शब्द के आगे जुड़ाता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग, और जो पीछे जुड़ता है उसको प्रत्यय करते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द बताना है ए, 46, 46 ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन देखिए 50, हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 ए, इसका क्या हो जाएगा? उज्ज्वलन, उज्ज्वलन हो गया। आइए अब आगे देखते हैं, आगे रीजनिंग है, रीजनिंग को भी फटाफट देख लेते हैं, इसका आंसर बस देख लेते हैं कौन कौन सही आंसर होगा। 51, 51 इसका सही आंसर होगा, 51 का सही आंसर ए, गेंडा।
इसमें देख लेते हैं, 52 में, 52 में आपको पेपर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका बी आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्द में विषम छाटना है, तिरपन का विषम छाटना है, इसके तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ये सभी अभ्यारण है, बाकी ये अभ्यारण नहीं है, तुंगभद्रा। 53, 54, अब 54 को देखें, 54 का बी हो जाएगा, 54 क्या होगा, बी हो जाएगा, से भी। 55, तारा कुंडल कुलम कहेगा कारा काकरा पारा कल्पक्कम नरोरा। अब इसके बाद 55, 55 का क्या हो जाएगा, बी रावत भाटा, रावत भाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56, 56 का आंसर होगा सी, ए 8 होगा। अगर क्वेश्चन ये नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका आंसर बता देंगे कैसे हुआ ये पूछेंगे तो बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 57, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी 13। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर होगा 58 का भी बी 65। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर होगा 59, 59 का बी 5 होगा। इसमें कुल कितने कुल कितने आयत है, आयत बताना है, तो इसमें बी होगा 3 आयत है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताना है, 61, 61 का बी 16, टोटल कितने 16, 61 का बी 16। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 62, 62, 62 का देखते हैं, इसका आंसर होगा बी, इसका बी वाला होगा, क्योंकि क्योंकि देखिए ये एक मानक पासा है, इसका योग 7 होना चाहिए, विपरीत फलकों का देखिए, इसका विपरीत यह 7 हो जाएगा, इसका 6 1 7, इसका हो जाएगा 5 2 7, 5 2 7। नेक्स्ट देखते हैं, तिरसठ, 63, नेक्स्ट 63 का देखते हैं, इसका सी आंसर होगा 17 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका भी आंसर सी होगा 26 किलोमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते नेक्स्ट देखते हैं, 65, 65 का आंसर होगा, अगर प्रतिबिंब में लगाएंगे तो किसके मूल में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मान लीजिए प्रतिबिंब लग जाता है तो ये पूछ रहा है कि किसके मूल में इसका परिवर्तन नहीं हो, मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब लगा दिए तो ये नीचे चला जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये भी, मगर ये वाला नहीं बदलेगा, ये सेम का सेम रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 66, नेक्स्ट 66 का देख लेते हैं, 66 का सी होगा, सी ये पासा बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 67, 67, 67 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 68, 68 का देख लेते हैं, देखिए ये फटाफट बता दें क्योंकि क्वेश्चन इसमें लंबा लंबा दिया है, क्वेश्चन बताने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बस हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका डिस्कस बाद में कभी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 69, 69 का देख लेते हैं, 69 देख लीजिए, इसका सी आंसर होगा, 69 का भी सी आंसर है। 70, नेक्स्ट 70 का देखते हैं, रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है तो इसका भी आंसर देख लेते हैं, 70, 70 का जो देख लेते हैं, 70, 70 का सी, इसका भी सी। नेक्स्ट 71, मैं दुकान खरीदना है, इसका आंसर होगा, इसका आंसर 71, 71 का आंसर सी, जी मार्ट ये वाला आंसर होगा इसका। 72, मधुबे। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, 72, 72 का सी, 72 का सी। नेक्स्ट 73, 73 को देख लेते हैं, 73 का बी, 73 का बी,
नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, 74 74 बुक रीड स्पीच, इसको 74 का देख लें, 74 का सी लिसेंट, इसको इसको देख लेते हैं 75 75 का डी, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं 76 76 का बी, 77 77 को देख लेते हैं 77 को देख लेते हैं 77 का इसका आंसर आएगा 77 77 का आंसर आएगा बी, 77 77 का आंसर बी आएगा, 78 78 का आंसर डी आएगा चाचा, 79 79 का आंसर आएगा डी, 80 80 का आंसर इसका भी डी आएगा। आप सभी लोग मिला लीजिएगा, आप क्वेश्चन पेपर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन हल करिएगा। एटी वन एटी वन का आंसर सी आएगा, एटी वन का आंसर सी, नेक्स्ट एटी टू एटी टू एटी टू का आंसर होगा, आप आंसर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एटी टू एटी टू का आंसर होगा डी, नेक्स्ट देखते हैं 83 83 का आंसर सी, 84 84 का आंसर डी, 85 85 का आंसर डी, 85 85 का भी डी होगा, 85 85 का डी होगा, 86 86 86 86 का सी होगा, 86 का क्या होगा सी होगा, 87 87 का भी सी होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से फटाफट सारे देख लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप फटाफट देख लीजिएगा मिला लीजिएगा, 88 88 का देख लेते हैं, 88 का डी होगा, 88 का क्या होगा डी होगा, 88 का 88 का डी होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं 89 89 89 का भी डी होगा, 89 का भी क्या होगा 89 89 का डी होगा, ये आंसर की आया है उसकी के आधार पे बताया जा रहा है ठीक ना, 90 90 का सी 90 का सी होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं 91 91 का डी, 92 92 को देख लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इस बार इसी क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा है, ये बैंक में पूछा जाता था, देखिए अब ये पैटर्न इसमें भी फॉलो कर दिया है, इसी से चार पांच क्वेश्चन इसमें दिए हैं, इसी से क्वेश्चन चार पांच दिए हैं, अब बेनारेक बेनारेक और ये ज़्यादा इसमें मिक्स किए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले कुछ टफ क्वेश्चन, रीजनिंग तो टफ आया था, अब देख लीजिए मिला लीजिए 92 92 का डी, 93 इसका सी होगा, 93 का क्या होगा सी होगा, 93 का सी होगा बोल रहे हैं आप सुन लीजिए, 93 का सी, 94 94 94 94 का डी होगा, 94 का डी होगा, 95 95 को देख लेते हैं, 95 95 को देख लेते हैं, 95 का बी होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए, अब देखिए 95 95 96 सॉरी 96 96 को देख लेते हैं, इसका डी होगा, 97 97 का देख लेते क्वेश्चन देख लीजिए, 97 का बी, 97 97 को देख लेते हैं, 97 97 का बी 97 का बी आंसर होगा, 98 98 क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, 98 98 का भी बी होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 99 क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, 99 क्वेश्चन देख लीजिए, 99 का डी होगा, इसका आंसर डी होगा,
इसका आंसर डी होगा। देख लीजिए, आप पूछ करके देख लीजिए क्वेश्चन, आप पूछ करके देख लीजिए क्वेश्चन, 100 100 का क्वेश्चन देख लीजिए, 100 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए जीएस पर, अब आ जाइए जीएस पर, अब जीएस को देखेंगे, जीएस जीएस का देखते हैं, 101 101 101 को देखते हैं, 101 का डी होगा, 101 का डी होगा फॉन्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 102 102 को देखते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 102 को, 102 का बी, 102 का बी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, पावर ट्रिपल्स क्या है, पावर ट्रिपल्स क्या है, 103 103 को देखते हैं, 103 103 का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। 104 104 का एमएस एक्सेल इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं रहता है, इसमें से क्या मौजूद नहीं रहता, 104 104 का बी। फटाफट सारे को देख लेते हैं, अनुच्छेद नहीं होता है। 105 105 को देख लेते हैं, 105 त्रिकोण त्रिवेणी सरगम निम्नलिखित में से किसकी संयोजन है, 105 105 को देख लेते हैं, 105 का बी, 105 का बी। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, 106 106 को देख लेते हैं, 106 का सी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, इसमें से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है, 107 107 को देख लेते हैं, 107 का डी गिद्ध। नेक्स्ट 108 108 का देख लेते हैं, 108 का बी, 108 का बी। 109 109 का सी, रवि, रवि यानी कि सूर्य, रवि यानी कि सूर्य कब पूजा किया जाता है छठ में। 110 110 का सी बैसाख मेला, 110 का सी बैसाख मेला। 111 111 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, 111 111 का डी, 111 का डी क्वेश्चन आप आंसर देख लीजिए। 112 112 112 का ए, 112 का ए। प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आया था प्रोविंस के नाम से। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, 113 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बी 19,95,81,477 है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, 114 114 का सी, 114 का सी देहरादून, देहरादून उत्तराखंड का है। मौनजोदाड़ो माउंट ऑफ डेट माउंट ऑफ 115 115 का देख लेते हैं, 115 का बी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी 116 116 का ए, इसका कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। नेक्स्ट 117 117 को देख लेते हैं, 117 117 का सी, 117 का अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं था। 118 118 को देख लेते हैं, 118 118 का सी। 119 119 119 119 का ए, इसका आंसर ए होगा, प्लासी। 120 120 जैन धर्म तीन रत्न, इसमें क्या, 120 120 का डी, सही विश्वास सही ज्ञान सही आचरण। 121 अंडमान निकोबार में, निकोबार में कितने द्वीप है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 121 121 का बी, 19 हुआ है। 122 122 का बी, 122 का बी, 122 का बी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 123 123 123 123 का डी, 123 का डी, 123 का डी आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं,
124, 124, 124 को देख लेते हैं, 124 को देख लेते हैं, 124 का सी, 124 का सी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पेपर को डाउनलोड कर लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की सही तो आपको दे दिया जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 125, 125, 125 का ए, 126, 126 को देख लेते हैं, 126, 126 का सी, ब्रह्मपुत्र, 127, 127, 127 को देख लेते हैं, 127 का सी, बिहार से होकर नहीं जाती है, 128, 128, 128, 128, 128 का सी, 552। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज के लिए 129, 129 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संविधानिक संशोधन और 74वें की दाई वो हुआ था नगर पालिका का, 130, 130, 130 का देख लेते हैं, इसमें कौन सा और पंचायती राज से संबंध नहीं रखता है, इसमें से कौन सा डी नगर परिषद, क्योंकि यह नगर पालिका का है। 131, 131 का देख लेते हैं, 131, 131 आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, अब देख लीजिए इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 132, 132 देख लेते हैं, 132, 132 देख लेते हैं, 132, 132 का ए, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन आगमन से पहले, 133, 133 का डी, 133 का डी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 134, 134 का देख लेते हैं, 134, 134 का ए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 135, 135 का डी, 135 का डी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट असंगत, एक असंगत मिलान है उसको छाँटना है, 136, 136 को देखते हैं, 136 का बी, 136 का बी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 137, 137, 137, 137 को देख लेते हैं, 137 का बी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 138, 138 का, 138 का बी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 139, 139 का, 139, 139 का सी, जापान। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 140, 140 का आप क्वेश्चन देख लीजिए, 140 का बी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 141, 141 का, 141, 141 का डी, 142, 142 को देखते हैं, 142 का सी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब खत्म ही होने वाला है, लास्ट में बात करेंगे कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना स्कोर सही है। 143, 143 का बी, इसका आंसर होगा बी। और भी सब पेपर जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इसका इसका 144, 144 का आंसर होगा ए, ई रकम। 145, 145 का सी, 145 का सी। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, 146, 146 का बी। नेक्स्ट 147, 147 का ए। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, 148, 148 का देख लीजिए, 148 क्वेश्चन देख लीजिए, 148 का बी, 148 का बी, 148 का बी।
नेक्स्ट 147 को देख लेते हैं। 147, 147, 147 का सी कालिदास। नेक्स्ट 148, नेक्स्ट 150, 149 को देख लीजिए, सॉरी 149 को देख लीजिए, 150 को देख लें, इसका बी, इसका आंसर बी होगा। सारे क्वेश्चन हो गए। आप क्वेश्चन पेपर को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक नीचे लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ स्कोर अब क्या हो सकता है, क्या बढ़िया अटेम्प्ट हो सकता है। हिंदी, हिंदी के लिए लगभग 35 से 40, 35 से 40 बढ़िया स्कोर है। रीजनिंग, रीजनिंग का भी, रीजनिंग भी टॉप आया था, 35 से 40 इसको भी रखिए। लगभग जीएस में 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन अच्छा स्कोर माना जाएगा, 30 से 35 क्वेश्चन एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। यानी कि आप लगभग 100 प्लस क्वेश्चन किए हैं, सही सही समझिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है अगर अच्छे से पेपर करवा दिया जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।